हे फ्रेंड्स, जुबा चटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं द पानवाला पे। तो चलो आओ अंदर चलते हैं और सबसे पहले हैव अ लुक यार, बाहर से ही मतलब कितना इम्प्रेसिव बनाया है इन्होंने। तो ये देखो आप, फर्स्ट लुक कितनी इम्प्रेसिव सी बनाई है इन्होंने। ये जगह मुझे तो बहुत पसंद आई है, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। और ये देखो क्या डेकोरेशन है, एंड हैव अ लुक कितनी तरह का सामान है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा वैरायटी है। हुक्का चाहिए हुक्का मिलेगा, सिगरेट चाहिए सिगरेट मिलेगा, लाइटर चाहिए लाइटर मिलेगा, पान चाहिए पान मिलेगा, बच्चों की चीज़ें भी हैं बहुत ही अच्छी अच्छी। मेरी बेटी भी पहले आ चुकी है यहाँ पे और उसकी भी फरमाइश पूरी है कि मेरे लिए ये ले आना। तो ये बन रहा है मीठा पान और बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर पान खा के। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के पान हैं और ये आपको एक डिटेल्ड वो नहीं होगा कि पान कैसे बनता है, क्योंकि सबके अपने अपने सीक्रेट मसाले होते हैं। तो जो इसके अंदर एक्चुअली प्रॉपर मसाला डलता है वो इनका एक सीक्रेट मसाला है जिसे वो नहीं बताते हैं, जो कि ठीक है बताना भी नहीं चाहिए नहीं तो कॉपी कर लेंगे लोग। तो ये डल गया वो सीक्रेट वाला मसाला जो ऑलरेडी रेडी है। और इनके पास बहुत ही डिफरेंट तरीके के जो फ्लेवर्ड पान हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, एंड उसकी मेकिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है तो इसलिए उसको बनाने में इनको टाइम लगता है। तो वो ऑलरेडी लोग पहले से रेडी करके रखते हैं और ये हो रहा है पान फोल्ड। तो ये है द पानवाला का मेन्यू। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये है मुगल किनाल पे नियर मद्रासी डोसा और लंडन शेक्स बिल्कुल बगल में है, तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। तो ये वैरायटी देख लो कितनी सारी है। और हमारे ज़माने में गिनती के दो पान होते थे, एक मीठा और एक बेसिक पान। मीठा पान जो थोड़ी ठीक फैमिलीज होती थी बच्चों को दे देती थी, मुझे मिल जाता था बचपन में वैसे। तो ये है हमारा चॉकलेट पान जो कि है ड्राई फ्रूट पान, वाइट चॉकलेट इसके ऊपर कोटिंग है। ये हमने लिया है क्रंची पान और हमने लिया है मैंगो पान, कलरफुल पान खा रहे हैं आज हम। और ये है हमारा शाही पान, शाही बॉल है वैसे उसका नाम। और ये है गुंडी पान, आज इसे खा के कौन कौन गुंडी बनेगा। तो हमारे साथ हैं द पान वाला के ओनर। सर आपका नाम? माय नेम इज रजत। तो कितना टाइम हो गया आपको शॉप ओपन किए हुए? हमें 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एक ऐसी चीज खोलने के लिए। मतलब बीइंग अ गर्ल, मुझे अगर पान खाना हो और मुझे कहीं जाना पड़े तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पापा की शक्ल देखो, शादी हो गई तो पति की शक्ल देखो कि कोई लेके जाएगा तो आप खाओगे नहीं। एक ऐसी जगह है ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जहाँ पर आप अकेले खुद से आके भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, पान खाना है पान खा सकते हो। तो और कितना पुराना मतलब ये आपका फ्रेंचाइजी है? ये हमारी फ्रेंचाइजी है, पहले हमारे दिल्ली में दो आउटलेट्स हैं, एक पश्चिम विहार और एक पीतमपुरा, और ये हमारा थर्ड आउटलेट है। और अराउंड हमें 6 to 7 years हो चुके हैं इसी मतलब इसी फील्ड में ही पान वाला को ही मतलब स्टार्ट किए हुए। 6-7 साल पहले अगर की मैं बात करूं तो मतलब क्या सोच के, मतलब पान पान ही क्यों या यही फील्ड क्यों? वैसे बहुत अच्छी बात है, किसी को तो स्टार्ट करना था। मैम कुछ यूनिक आइटम थोड़ा लेके आए हैं मार्केट में, जैसे अभी तक किसी ने इतनी आइटम्स पान की नहीं देखी थी जो हम लेके आए हैं मार्केट में। करनाल में भी हम फर्स्ट ही हैं, हुक्का भी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत डिफरेंट चीजें मैम हमारे पास। रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे करनाल में, करनाल वाले अच्छे मतलब रिस्पांस दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पता चल रहा है कि हम वेट में बैठे थे ऐसी किसी चीज के। रिपीटिंग कस्टमर है एक्चुअली हमारे पास ना, हम भी अब आपके रिपीट कस्टमर्स हैं। कैमरामैन यस, वो भी यस बोल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और आपका ये जो सेटअप है ये भी बहुत ही अच्छा है, और आई होप जल्दी से जल्दी वो गर्मियों वाले पान भी शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए फिर उसके बाद, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जिनको अपने ब्रांड से मैचिंग लाइटर्स चाहिए होते हैं, जो सिगरेट इन्जॉय करते हैं। देखिए आप वैरायटी देखिए लाइटर्स की, मतलब कोई बड़े से बड़ा ब्रांड आप नाम लीजिए सारे के सारे यहाँ अवेलेबल हैं। पुराने ज़माने में एक वो प्लास्टिक का होता था ना, वही होता था। आजकल देख लो स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, ओ माय गॉड, गाड़ियों का एक से एक ब्रांड जो आपके पास हो आप उसी गाड़ी के साथ का मैचिंग लेके जाओ।
तो सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं शाही बॉल, है तो पान कहते हैं लेकिन टेस्ट कैसा है वो देखते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर पान का पत्ता यूज़ नहीं हुआ है और ये प्योरली गुलकंद और कोकोनट से बना हुआ है। दिस इज़ गुड, बिना पान के पत्ते के भी सारे पान के फ्लेवर्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। गुलकंद देखो एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी हर चीज़ में बहुत ही अच्छी यूज़ की है इन्होंने। यह है क्रंची पानी और इसको ऊपर इन्होंने चॉकलेट सिरप भी डाल के दिया है, इसको ट्राई करेंगे, बहुत ही चॉकलेटी है ये। इसका नाम है क्रंची पान और इसके अंदर क्रंच बहुत ही अच्छा है, चॉकलेट की जो लेयर है बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर क्रंच आ रहा है, चॉको चिप्स अंदर भी हैं और जो बटर स्कॉच के अंदर क्रंची होता है वो भी यूज़ किया है इन्होंने। अब हम ट्राई कर रहे हैं ड्राई फ्रूट पान एंड अभी एक एक बाइट लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है लेकिन पान का पत्ता अच्छे से आ रहा है। और आप ये देखो एक अच्छे पान की क्वालिटी क्या होती है कि पान का पत्ता जब आपके मुँह में जो है वो घुल जाता है, आपको फेंकना नहीं पड़ता, वो सबसे अच्छी निशानी होती है पान के पत्ते की कि अच्छी क्वालिटी का पान का पत्ता यूज़ किया है। ड्राई फ्रूट पान और इसके अंदर थोड़ा सा मिंट का सा फ्लेवर आ रहा है, रिफ्रेशिंग है और ऊपर वाइट चॉकलेट है, अंदर पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जो पत्ते इनके हैं ना टू गुड, बहुत ही बढ़िया। अब हम ट्राई कर रहे हैं मैंगो पान और इनका जो कोई भी पान है वो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और मैंगो वाले पान के ऊपर इन्होंने फुल फ्लेवर देने के लिए मैंगो सिरप भी ऐड ऑन किया। तो ये जो मैंगो पान है इसकी पूरी की पूरी कोटिंग जो है वो मैंगो से है और इसके अंदर भी उन्होंने मैंगो डाला। बट भैया का ये कहना कि इसको अगर आप सीज़न में ट्राई करोगे तो और भी फ्लेवर फुल लगेगा क्योंकि इसके अंदर फिर वो असली आम को डाल के ट्राई करेंगे। अब ये लास्ट में सबसे मैं ट्राई कर रही हूँ गुंडी पान, अब इसे खा के मैं गुंडी बन जाऊँगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है पान का इसके अंदर, जिनको पान पसंद है ना प्रॉपर वो खा सकते हैं, बहुत ही मीठा पान है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। कौन ट्राई करेगा बाकी का, मैं नहीं खा सकती और बिकॉज पत्ता फिर भी मुंह में घुल रहा लेकिन मिंट वाला वो जो है ना कि मेंटोस खा के चबा लियो वैसा वाला फ्लेवर आ रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट अच्छा है वाकई में। गुंडी बन जाओ आप इसको खा गए ये बिडू। तो हमने किए बढ़िया से डिफरेंट डिफरेंट पान एंजॉय और आपको भी बताया कि उन सबका टेस्ट डिफरेंटली कैसा है। और जब तक हम आपके लिए ढूंढते हैं एक और टेस्ट की गारंटी तब तक आप लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। और पिछली एक दो वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये रहे हमारे घर वालों के लिए भी पान।